आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। रंजू की रेसिपीज चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कभी कभी घर के मेंबर्स कहते हैं कि हमें अभी इडली खाने का मन कर रहा है, और बच्चे तो खास करके जिद पड़ जाते हैं कि नहीं, हमें अभी इडली चाहिए। तो ऐसे में क्या करें? इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंस्टेंट इडली कैसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इंस्टेंट इडली बनाने की आवश्यक सामग्रियां क्या क्या है। हम सभी जानते हैं कि इडली बनाने के लिए चावल और उड़द का दाल इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इंस्टेंट इडली बनाने के लिए सूजी यानी रवा का इस्तेमाल करूंगी। और हमें चाहिए दही, ये थोड़ा सा खट्टापन लाता है और स्वाद को काफी बढ़ा देता है। साथ ही चाहिए थोड़ा सा नमक, लेकिन स्वाद के अनुसार नहीं, एक निश्चित मात्रा में। और हमें चाहिए थोड़ा सा तेल, लेकिन इसका इस्तेमाल हम इडली के बैटर में नहीं करेंगे। दरअसल ये हम इडली के ट्रे में लगाएंगे परत पतला सा, ताकि इडली का बैटर उसमें चिपके नहीं। अब आते हैं उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की ओर जो हमें इंस्टेंट इडली बनाने में सहायता करती है। ये है खावा सोडा यानी बेकिंग पाउडर। अब मैं आती हूँ उस महा सीक्रेट इंग्रेडिएंट की ओर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो है इनो। ये भी बेकिंग पाउडर से बनता है, ये बहुत ही इफेक्टिव है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी हम लगभग 500 ग्राम रवा ले रहे हैं, इससे 15 से 20 इडली बन जाती है। अब इसमें 2 चम्मच दही, अगर आप खट्टा पसंद है तो आप 3 चम्मच या 3.5 चम्मच कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और इसे पानी से घोलेंगे। पहले थोड़ा पानी डालें, देख लें कितना मात्रा है, अगर कम है तो फिर इसमें और थोड़ा डालें और इस तरह से इसे मिलाते रहें। जब ये अच्छे से घुल जाए, मिल जाए, तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी भी इसमें काम लग रहा है पानी, तो थोड़ा सा और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से ये बेटर हो जाएगा तैयार। अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इडली इडली के कुकर में बनती है। इसके कई प्रकार के ट्रे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये खाचा बना है, इसमें इडली का बैटर डालते हैं, इससे इडली का शेप आता है। इसे आप मार्केट में आसानी से ले सकते हैं, किसी भी बर्तन की दुकान पे ये अवेलेबल है। गैस ऑन कर लें। इडली के कुकर में अब हम लगभग 1/2 लीटर पानी डालेंगे, इसे उबालेंगे, ढक दें इसको, और इसके जो भाप आएगा उसी से इडली बनता है। पानी देखिए लगभग गर्म हो गया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इडली का जो खांचा है, ये नीचे वाला और ऊपर वाला, तो नीचे वाले के खांचे से पानी थोड़ा कम ही रखें, ताकि जो इडली का ऐसे ट्रे रखेंगे तो पानी इडली में ना आए। सूजी पानी सोखता है और ये गाढ़ा हो जाता है, तो इसे परफेक्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी मिला लें, ताकि ये बैटर अच्छे से बन जाए। इडली का बैटर रेडी है, लेकिन इसमें इंस्टेंट वाली बात अभी नहीं आई है, तो अब हम इसमें डालते हैं इनो। लगभग 1.5 से 2 चम्मच तक डाल सकते हैं। इसे तुरंत ही इस तरह से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद ढांचे में रख के इडली के ट्रे में उसको हम 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। ये देखिए, इनो जैसे ही डालते हैं, इसको मिक्स करते हैं, तो किस तरह से बबल्स आ रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
अब ये जो साचा है इसमें जो मैंने तेल कहा था ये इस तरह से लेकर हल्का सा इस तरह से मिला लीजिए, इसे लगा लें अच्छे से, पतला सा लेयर हो जाएगा ये, ताकि ये इडली को इडली का जो हमारा बनेगा तो वो चिपकेगा नहीं। ये हो गया है, मैंने पतला सा लेयर लगा दिया है तेल का। अब ये जो बैटर मैंने इंस्टेंट इडली वाला तैयार किया है उसे इसमें इस तरह से डाल लेंगे। आराम से धीरे धीरे इस तरह से बाहर नहीं जाए, थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि ये जब इडली स्टीम होगा तो ये अपने आप ऊपर और फूलेगा। ये हो गया लास्ट, अब इसे हम ये पानी देखिए अच्छे से उबल गया है, इस तरह से इसे रख दे और इसे ढक दीजिए मीडियम आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए वाओ कितना अच्छा शेप आया है, चांद की तरह एकदम गोल गोल। यही है इंस्टेंट इडली का राज, इनो। इडली पका है कि नहीं ये पहले हम चेक कर लेंगे, उसके लिए एक सीख लेंगे और इस तरह से उसे चुभोएंगे। ये चुभोने के बाद जब ऐसे निकालेंगे अगर नीचे चिपक रहा है तो अभी वो पका नहीं है, इसे और पकाना है। इडली को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए ये पक गया है, नहीं चिपक रहा है। अब इसे निकाल लेंगे, 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इडली का ट्रे ठंडा हो गया है, अब इडली को हम निकाल लेंगे इस तरह से स्पून की सहायता से, आराम से इस तरह से चारों तरफ से थोड़ा सा घुमा लीजिए और नीचे से थोड़ा सा दबा के इस तरह से घुमाइए। ये देखिए इडली निकल गया है, इसी तरह सबको निकालना है। इंस्टेंट इडली बनकर तैयार है, कितना स्पंजी और सॉफ्ट है, इडली की यही खासियत होती है। ये हमारा इंस्टेंट रवा इडली बनकर तैयार है, सांभर के साथ इसे घर पे बनाइए और इसका लुफ्त उठाइए। तो देखा आपने रवा से इंस्टेंट इडली बनाना कितना आसान है, तो इसे बनाने की आवश्यक सामग्रियां एक बार फिर नोट कर ले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो रंजू की रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भेजें, प्रश्न पूछें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया।